Oi, gini gini gini, baca baca. वेलकम फ्रॉम चितकुल। और देखो बाहर का नज़ारा देखो यार, लास्ट व्लॉग में मैंने दिखाया था, एक बार फिर से देख लो। जो मैंने होटल लिया है वहाँ से क्या व्यू आता है भाई साहब, सुपर व्यू आता है, सुपर व्यू। और भाई नीचे बाइक स्टार्ट करने के लिए जो चला गया पहली, क्योंकि हम जाने वाले हैं अभी बसवा रिवर की तरफ जो इधर ही पड़ता है। तो यहाँ जाते हैं, यहाँ पर अच्छी खासी बर्फ़ जमी पड़ी है, वहाँ पर आप करेंगे स्नो स्पोर्ट्स, स्नो फन करेंगे अभी जाकर, तो मज़ा आएगा बहुत ज़्यादा ही। चलिए फटाफट मैं जाता हूँ नीचे की तरफ, नीचे मिलता हूँ आपसे राइडिंग के दौरान। और देखो रास्ता जो है ना काफ़ी ज़्यादा उसमें आइस जमी पड़ी है, ब्लैक आइस हो गई है, तो आगे भी आगे काफ़ी ज़्यादा बता रहे हैं। तो जहाँ तक बाइक जा पाएगी ठीक ठाक वहाँ तक ले जाएंगे, उसके बाद बाइक खड़ी कर देंगे और ट्रैकिंग करते हुए चले जाएंगे आगे। ज़्यादा दूर है नहीं आपसे, वॉकिंग डिस्टेंस पर ही है वैसे, तो फिर भी बाइक लेके आते हैं थोड़ी दूर तक। चलो जी भैया आ गए अपन राइडिंग सीट पर। बस निकल गए, यही तो मज़ा भाई इन रास्तों का। एक दो बार लौटोगे नहीं ना जब तो मज़ा नहीं आएगा। तो देख लो भैया पूरे मज़े आएंगे आपको आज इस व्लॉग के अंदर। ओ भैया भाई पैर लगा लियो नीचे, गिरने लगूँ तो। ये तो खतरनाक ही लग रहा है मुझे आगे, यहाँ तो स्लिप खा के लग रहा है। ओ भैया यहीं गिरेंगे, यहीं यहीं गिरेंगे। भाई फुल ऑन एडवेंचर है भाई, यहाँ तो उतराइए तगड़ी वाली। यही सूखी है ना, आगे पता नहीं क्या होगी। सूखी है भाई, सूखी है, सूखी है। चलो अच्छा देखते कहाँ तक जाएंगे। तो बच्चे स्कूल से आ रहे हैं बच्चे सारे, तो अभी तुम्हें आराम चला भाई, हम स्किट मार जाएगी। तो भैया ये देखो यार ना का सीन देखो, कितना मस्त सीन है सामने, क्या बर्फ़ बिछी हुई है हम चादर, लोग वहाँ खेल तो रहे हैं स्नो में जाकर। हाँ अपन भी देखते हैं किधर जाना हमने। हाँ नदी जरी होगी, सही बोल रहे एक्सपीरियंस। हाँ तुम मुझे लिटा के मनवाएगा तुम, हाँ क्लियर हो जा तो एक बार। और कहाँ ले जाऊँ भैया, बस ओए शाबाश। और आगे चल तो रही है फिलहाल, स्किट मार रही है क्या? यहाँ पे स्लिप मारेगी, लेकिन ये जो है ना इसे चलो। अच्छा रास्ते में मारेगी, बर्फ पे नहीं मारेगी, बर्फ पे नहीं मारेगी। चालू बाइक में ब्रेक मत लगाना वरना पक्का मारेगी। वो तो बात सही है, मगर रुकेंगे कैसे फिर? बिना ब्रेक के रुकेंगे कैसे? तो बेटा गिराने की बात कर रहा है जब से हैं, आज तो गिरा के मानेगा। हाँ ज़्यादा से ज़्यादा नीचे आ जाएंगे, ये गार्ड भी नहीं पहना है भाई, मगर मस्त मज़ा आ रहा है। चाहे कुछ भी कहो, चाहे गिर जाऊँ मुझे पड़ जाऊँ, मगर मज़ा बहुत आ रहा है इस स्नो में राइड करने का। ओ भाई 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 जाना किधर था हमें, अजी तो जाना है। ओए भाई गिरी गिरी गिरी, बचा बचा। भाई स्किट मार रही है, बंद कर दी मैं तो भाई। अरे पैर फिसल रहे हैं यहाँ पे, पैर नहीं पड़ रहे नीचे, रुक। गाजा मौजा गोजा अब, रुक जा रुक जा। भाई यही खड़ी कर देता हूँ यहीं पर। चलो भैया अभी देखो ढंग से लगाता हूँ पहले उसको, फिर आपको दिखाता हूँ यार। देखो भाई इसके टायर, देखो टायर, ओ तेरी तो। चल चल चल, क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। खींची नहीं रही है। चल
किस साइड में रहूं? हाँ तो इधर ही तो मैं चल। सही है भाई सही है। देखो भैया बाइक अपनी कहाँ खड़ी है, एकदम शान से बिल्कुल बर्फ के बीच में। ये सीन देखो यार, एकदम ही गजब है गजब। और टायर का स्किट मार रहे थे अभी आपने देखा, गजब घूम रहे थे भाई इसमें तो। देखो यहाँ पे स्किट मार, देखो यहाँ पर तो मेरे पूरे जूते के अंदर घुस गई, जूते खोले बर्फ़ निकाली है। अगर अंदर ही पिघल जाती है ना फिर तो ठंडकती बहुत तगड़ी वाली। भाई बाइक करते यहाँ पे हाइप हो गया। फोटो पॉइंट बन गया यहाँ पे बाइक का। ओ भाई बच्चे को देखो क्या बात है। चलो खिंचवाए जाते हैं फिर आप नीचे जाएंगे उसके बाद। भाई साहब ये तो बस मतलब मसला जन्नत है जन्नत, और जन्नत में केवल हम दो है कि नहीं भाई? हम दो और हम ही दो है भाई। जो बाकी थे वो निकल गए। और ये देखो बसपा रिवर यहाँ सामने से, चलो बड़ा मस्त है यार, कितना साफ पानी है भाई साहब। व्यू देखो यहाँ पे सुपर व्यू है भाई, सुपर व्यू, फुल मजा ऑन आ रहा, मजा ऑन। सपने पे भी नहीं सोचा था कि भाई ऐसा व्यू मिलेगा चितकुल में आकर, बहुत ही खूबसूरत व्यू है भाई। तो भैया मैं जहाँ पे आ गया हूँ ना, ये है बसपा रिवर के बिल्कुल साइड का व्यू है। चितकुल जो सिटी है ना उसे नीचे की तरफ, एक ढलान की तरफ ऐसा रास्ता आता है नीचे की तरफ। देखो बर्फ़ में जो है कैसे पैर जा रहे हैं अंदर। ओए होए मज़ा मज़ा आया क्या बात है भाई। ये देखो फुल लेवन मस्ती है भाई यहाँ पर। ओह शाबाश देखो यार गजब। और ये देखो आगे पूरा, आपको एक बार चल के पूरा दिखाता हूँ यहाँ का व्यू। ऐसी चीज़ देखने को बहुत कम मिलती है ना भाई, इसलिए एक्साइटमेंट ज़्यादा रहती है। अपने यहाँ तो कभी मिलती नहीं है, पहाड़ों पर भी जाओ तो हर सीज़न में नहीं मिलता है। अभी सीज़न है, अपनी किस्मत है कि हमको इतनी साफ स्नो मिल रही है देखने के लिए, वो भी खाली पड़ा है भाई। जो लोग थे वो चले गए, तो पूरा इलाका अपना है भाई, यहाँ से वहाँ तक वहाँ से यहाँ तक कहीं भी घूमो फुल अपना इलाका है। चितकुल जो है ना 11,320 फीट की हाइट पर है। मेरे लिए तो एक अचीवमेंट है कि मैं यहाँ पर आया हूँ चितकुल में। बहुत सारे ऐसे हाईएस्ट पॉइंट को कंप्लीट करूँगा। और बाइक में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आई, पीलियन के साथ राइड कर रहा था मैं विद लगेज, तो 11,000 की फीट जो होती है काफ़ी होती है यहाँ पे विद पीलियन। इसको जो है एक तरह से टेस्टिंग हो गई अच्छी तरीके से कि एसीयू अपडेट के बाद जो है प्रॉब्लम कर रही है कि नहीं कर रही बाइक। तो फिलहाल तो बाइक बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं कर रही है, काफ़ी अच्छे से पिकअप ले रही है फर्स्ट गियर पर। पहले क्या था ना कि वहाँ पे रेस देते रहो पावर छोड़ दे रही थी, वो वाली प्रॉब्लम नहीं दिखी मुझे अभी तक फिलहाल। तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी लगी मुझे, और ये एसी अपडेट के बाद ही मेरे ख्याल से ये चीज़ ठीक हुई है। और ये पूरा एरिया आगे तक लेके जाता हूँ मैं आपको पूरा, ये ब्लॉग जो है इसमें अच्छे से दिखाता हूँ आपको पूरा ये इलाका, शानदार है। और आगे पानी जमा हुआ है भाई, अब ये डर लग रहा है कि कहीं टूट ना जाए, कहीं पैर उसके अंदर ना घुस जाए, इसलिए ज़्यादा आगे जाने की कोशिश नहीं करूँ। फिर भी कोशिश करूँगा मैं थोड़ा सा देख कर संभल कर, अगर बनता है तो थोड़ा आगे से आगे दिखाऊँगा मैं आपको अभी। ओए होए 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 ये देखो, ये जो ना ये टूट रही है बर्फ़ यहाँ पे, ये खतरनाक इलाका है।
ये पानी आगे जमा हुआ है जो यहाँ पे जम गया है, पूरा पानी है यहाँ का रिवर का। यहाँ पे थोड़ी गर्मी और पड़ेगी तो भैया ये पूरा देखो पानी के अंदर चले जाएंगे हम, देख रहे हो, ये देखो अंदर पानी है यहाँ पे। ये देखो भाई बर्फ़ ना बहुत सॉफ्ट है भाई, एकदम ताज़ी ताज़ी बर्फ़ है, देखो मज़ा आ रहा है, हाथ लाल पड़े आ रहे एकदम से। देखो यहाँ पे पैर स्लिप करेंगे ये वाली जगह पर, संभल के आना पड़ेगा और संभल के, देखो नीचे पानी जाता हुआ दिख रहा है, यहाँ से नहर आ रहा है ये नीचे, और वो देखो और बीच में जो है ना बर्फ जमी पड़ी है उस पानी के बीच में, क्या शानदार नज़ारा है वहाँ का यार, बहुत बढ़िया पानी का फ्लो नीचे कैसे अंदर से आ रहा है उसके फिर आगे बढ़ रहा है। ये भाई पूरा फिसलन वाला एरिया, पूरा फिसलन वाला, पैर फिसल रहे हैं हमें। तो यहाँ पे ना कैंपिंग भी होती है, हम जब आए थे ऊपर से एक पॉइंट था मैंने बताया था वहाँ पे कैंपिंग भी हो रही थी, वो जो ऑरेंज कलर के दिख रहे हैं ना आपको, वो ऑरेंज कलर के वो है वहाँ पे कैंप हो रहा है वहाँ पे, तो बिल्कुल रिवर के पास में ही है और रात को आप यहाँ पे आ सकते हो 8-9 बजे भी ठंड में, एकदम भयंकर भाई ठंड मस्त वाली। और मैं लाता हूँ साथ चिक्की, चिक्की चिक्की खाएंगे, क्या बात है, पूरा पैकेट ले लिया था मैंने। ये देखो भैया पहला प्यार ठंड का यही है भाई, मज़ा आ गया इन वादियों में, इन बर्फबारी नदी के पास बैठ के भाई, और चिक्की खाने का मज़ा आना, घर में रजाई में घुस के जो मज़ा आना उससे 2-3 गुना ज़्यादा मज़ा आने वाला आपको यहाँ पर अगर बैठ के खाओगे तो। चलो भैया आगे ऊपर बसपा रिवर को, बाय बाय, चलिए आपसे सीधे ऊपर जाके बात करता हूँ, कहीं लंच वंच के लिए रुकेंगे क्योंकि 3:15 हो गए हैं, लंच नहीं किया अभी अब तक हमने, तो वहीं जाके आपसे सीधा बात करता हूँ मैं।